हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सेफ एंड साउंड। तो आज का व्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। अभी बजे सुबह के 10 और ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी भी। मम्मी अभी करेंगी ब्रेकफास्ट। तो आज मम्मी अपने लिए दलिया बनाई और पापा के लिए भी मैं पापा को दे आई, और मेरे लिए रोटी है तो इसको मैं पराठा बना के सॉस के साथ खाने वाली हूँ। लेट्स सी, अभी मन नहीं हो रहा है खाने का, अगर मन हुआ तभी खाऊंगी। और बाकी मैंने अभी तक नहीं नहाया गाइज, सो कुछ देर बाद जाऊंगी नहाने। सो यस, वीडियो का आप लोग फुल एंजॉय करो। ये वेज तो इधर बनेगा, दाल चने का दाल। तो इधर सब कुछ रेडी किया है मम्मी ने, दाल को भिगो के रखा और तेजपत्ते वगैरह दिया, और इधर आलू बॉईल हो रहा है। सो गाइज, आज ना मम्मी ने मतलब डिसाइड किया कि मम्मी बनाएंगी इधर चटनी टोमेटो का। फर्स्ट टाइम मम्मी ये ट्राई करेंगी। तो देखो इधर क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। इधर है टोमेटो एंड इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स, लाइक इधर है खजूर, किशमिश एंड काजू। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो। और इधर है सूखा हुआ मिर्च और तेज पत्ती। सो सबसे पहले तेल गर्म होने के बाद इसमें दे दिया सूखा हुआ मिर्ची। इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें देना है तेज पत्ती, एंड उसी के साथ आपको टोमेटो भी डाल देना है। टोमेटो डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसाला, हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्ची, नमक ना स्वाद अनुसार आप दे देना, ठीक है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, एंड फिर इसको मिक्स करना है। और हाँ, गुड़ भी चाहिए एंड नींबू भी। तो इधर गुड़, सबसे पहले गुड़ दे दिया मीठे के लिए, एंड साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स को भी दे दिया। देने के बाद इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है, एंड उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस देना है फॉर खट्टानेस, ओके। और अभी देखो गाइस, ये कितना ज़्यादा यमी दिख रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था ये ना। आप अपने घर पर ज़रूर से एक बार ट्राई करना। और अभी क्या कर रही हूँ मैं, आप देख लो। आज ना हमारे घर पर दाल और आलू चोखा बना था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमेशा एक ही चीज़, तो इसलिए मैंने क्या किया, अपने लिए सोयाबीन बनाया। तो सब कुछ मैं रेडी कर रही थी, रेडी करने के बाद मैं बना रही हूँ इधर सोयाबीन करी। और बनाने के बाद मैं चली गई नहाने। नहाने के बाद मैं आज थोड़ा सा अपना फेस पैक लगा रही हूँ, कॉज स्किन केयर भी ज़रूरी है, तो मैंने अपना फेस पैक लगाया। उसी के साथ मुझे लगी है बहुत ही ज़्यादा भूख, तो फेस पैक लगाने के बाद मैं चली गई किचन। आप लोगों को अपना सोयाबीन करी भी दिखा रही हूँ, साथ में अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं चली गई बाहर फ़ोटोशूट करने, थोड़ा सा चाय का। वो सब करने के बाद ना देखो, मैंने मुँह भी नहीं धोया, इतना ज़्यादा मुझे भूख लगी कि मैं घर आकी इधर फेस पैक के साथ ही मैं अपना वो कर रही हूँ, चाय पी रही हूँ, साथ में बिस्किट खा रही हूँ। और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया गाइस, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। सो गाइस, फाइनली मैं अभी ऑन कैमरा आई हूँ, मुँह धो के एकदम अच्छे से, और अभी पोछा नहीं, अभी नहीं पोछूंगी, खुद से ड्राई होगा। और अभी कुछ अप्लाई करूँगी क्रीम वगैरह, ओके। तो मैं आपको बोलने वाली थी कि मेरा नहाना धोना कंप्लीट, और ये ड्रेस अभी फिर से पहना, कर्स ये मैंने सुबह ही पहना था, क्योंकि ये मैं जब पापा के दुकान गई ना तो ड्रेस चेंज करके गई थी, तो ये वाला तब पहना था, तो ये अच्छा ड्रेस है इसलिए मैंने अभी फिर से पहन लिया। आप लोग उल्टा सीधा कॉमेंट मत करना गाइस, करोगे तो नहीं बट फिर भी बोल रही हूँ, ओके। सो अभी चाय, वो जो बिस्किट है ना, काफ़ी यम्मी था गाइस। चलो छोड़ो, अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा फेस में कुछ लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। सो यस, चलो। सॉरी गाइस, पूरा दिन ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई, तो शाम का टाइम ना इधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, बिकॉज आज वेज है एंड चने का दाल बनाए, सोयाबीन करी बनाए, तो पूड़ियाँ तो बनता है भाई। तो मैं आज मैंने और मामा ने डिसाइड किया कि डिनर में पूड़ियाँ साथ में सब्जी खाएंगे। तो इधर देखो मैं अच्छे से पूड़ियाँ बना रही हूँ, मम्मी तल रही है, और यहाँ मेरा डिनर रेडी है, सोयाबीन करी, चने का दाल, पूड़ियाँ। सोया गाइस, आज का वीडियो यही तक है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा।